इलेवेंथ बर्बाद, ट्वेल्थ में कैसे करें तैयारी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम और मैक्सिमम लोग को फेस करने वाला प्रॉब्लम। तो आज मैं कुछ टेक्निकल मैटर्स पर बात करूंगा। देखिए, एक चीज आप हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि कुछ खो देना उतना तकलीफ का बात नहीं है, उसको रिकवर नहीं करने के लिए प्रयास करना ज़्यादा तकलीफ का बात होता है। मतलब यदि इंसान अपने जीवन में कुछ नुकसान कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सबके साथ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाता है जब हम उस लॉस को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास नहीं करते। तो आज मैं आपसे कुछ टेक्निकल बात करूँ, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा, इतने अपने लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से स्टूडेंट क्लास 11th को बहुत इजी गोइंग लेते हैं। वजह बहुत से हैं, सभी वजह पर मैं डिस्कस करूं तो कई घंटे का क्लास मुझे लेना पड़ेगा। तो कारण बहुत कुछ आप लोग को भी पता है, जिसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है 11th क्लास है, होम एग्जामिनेशन है, स्कूल टीचर से काम चल जाएगा, कुछ चैप्टर छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा, सर जो जो इम्पॉर्टेंट है बोलेंगे उसको पढ़ने से काम चल जाएगा, अरे वो भी ना करें तो 11th तो पास हो ही जाएंगे। ये कुछ ऐसे कॉमन चीज़ हैं जो हमारे 11th को कमज़ोर कर देता है। और 11th का कमज़ोर होना, आपको मालूम है IIT JEE NEET का भी मैं कोचिंग देता हूँ, 11th यदि हमारा कमज़ोर है तो मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को फिर आगे सक्सेस होते नहीं देखा। स्वाभाविक सा बात है कि आपके एग्ज़ाम में 11th का भी सिलेबस पूछा जाना है, नीट में 11th का भी पूछा जाना है, IIT JEE में सभी एग्ज़ाम में आपको 11th का भी पूछे जाने हैं। और हम कितना दोनों में अंतर महसूस करते हैं, 11th को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लेते हैं, 12th में सिंसियर हो जाते हैं। अच्छा, 12th में सिंसियर हो भी गए तो हम अब उस लेवल तक रिकवरी नहीं कर सकते जो होना चाहिए। मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करूँ, लॉस ऑफ इनर्शिया पर बात करूँ, तो जो बॉडी रेस्ट में है ऑलवेज रेस्ट में रहना चाहता है, और जो मोशन में है ऑलवेज मोशन में रहना चाहता है। ये लॉस ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, आप पढ़ते भी हो मेरे से। तो 11th क्लास में यदि आप लंबे समय तक रेस्ट में आ गए तो आपको फिर मोशन में लाना बहुत कठिन काम होता है, हमको खुद बहुत परेशानी होती है। तो चलो, यहाँ पर हमने एक और हरिवंश राय बच्चन जी के कोटेशन का एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखा है अपने यहाँ पर पीछे बोर्ड पर, आप देखो, जो बीत गई सो बात गई। ठीक, प्रॉब्लम्स पर तो मैं बहुत डिस्कशन कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है उसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करना। प्रॉब्लम्स पर तो सब बात करते हैं, प्रॉब्लम्स पर तो बात करने के लिए आपके आसपास चारों तरफ आपको ढेरों लोग मिलेंगे। हम बात करते हैं अब उसके सॉल्यूशन पर कि भाई क्या किया जाए, अब उससे कैसे उभरा जाए। तो मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि यदि आपका 11th बहुत पुअर भी हो गया है, 11th में आपको बहुत अच्छा कमांड नहीं है, तो भी हम उस प्रॉब्लम को कैसे रिकवर कर पाएंगे, ये मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकवरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो रिकवरी का, फिजिक्स में रिकवरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। आपको मालूम है लगभग अपने सभी क्लास में ये बात मैं जरूर डिस्कस करता हूँ कि यदि आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पुअर है तो आप फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम क्लास 11th स्टार्ट करते हैं तो लगभग हम 20 डेज 1 मंथ तक आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते रहते हैं। हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट में कई वीडियो आपको इसके मिलेंगे। अभी तो हमने लेटेस्ट पूरे मैथमेटिक्स को एक ही वीडियो पर डाला हुआ है, पूरे मैथमेटिक्स को, आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबका, आप वहाँ जाके आप देखो। तो हमने पूरे मैथमेटिक्स को, एलजेब्रा से लेके पूरे कैलकुलस और ज्योमेट्री तक सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया है। तो यदि आप 12th क्लास में पहुंच भी गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पुअर है तो मेरा पहला सजेशन, आप उसको इमीडिएट रिकवर करो। इमीडिएट, आज के आज, अभी इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप तुरंत लग जाओ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को पूरा करने में, और खासकर कैलकुलस और वेक्टर आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आपको मालूम है कि आप फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिक्स में, एनी टाइम d/dx और इंटीग्रेशन होते रहता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होते रहता है। तो ये काम आप सबसे पहले कर लो। और देखो, ये सजेशन, इस वीडियो को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के बना रहा हूँ,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कांटेक्ट में जितने स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल में पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, वो 12th क्लास के स्टूडेंट में यदि कहीं कोई कमजोरी है तो अभी समय है हमारे पास। अभी तो हम अप्रैल में हैं, अभी हमारे पास समय है। हाँ, लेकिन अब आप मिस करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे, इसलिए अभी हमारे पास टाइम है और हमको उससे उबरना है, उस प्रॉब्लम से उबरना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11th क्लास के हैं, वैसे तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आता ही है, लेकिन दो चैप्टर ऐसे हैं हमारे 11th क्लास में जिनका हमारे 12th में 100% यूज होता है, उसके बिना हमको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और वो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, ये दो लास्ट के दो चैप्टर। क्योंकि यदि आपको ऑक्सीलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और तरंगों के बारे में ना पता हो तो पता है आपको 12th में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा? आप प्रत्यावर्ती धारा नहीं समझोगे। प्रत्यावर्ती धारा में टीचर आएंगे और सीधा लिखेंगे I = I0 sin ωt और बोलेंगे ये विस्थापन के समीकरण के जैसा है। कैसा विस्थापन के समीकरण जैसा हो गया? फिर तो आपको दोलन का अच्छे से रिविजन कर लेना चाहिए। और आपको प्रॉब्लम क्या है, हमारे चैनल पर सब चीज़ अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको अब कहाँ करें सर, अब इसको कहाँ से पाएँ, ऐसा तो कुछ है नहीं है। सब चीज़ तो हम आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो पूरा हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप 11th का आप एक बार रिविज़न कर लो। और वेब्स भी उसका तो सगा भाई है, ऑक्सीलेशन का सगा भाई है। वेब्स जहाँ ऑक्सीलेशन है वहाँ वेब है, आपको पता है। तो तरंग प्रकाश की पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे। अब वहाँ पर हम बताएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो 11th क्लास के ये दो चैप्टर आप अच्छे से कर लो अभी, और ऐसे भी आपको आगे काम आना ही है। तो पहला मैंने रिकवरी का पॉइंट बताया आपको, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को कर लो, ऑक्सीलेशंस को कर लो और वेव को कर लो। और कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ, आप चिंता मत करो। मैं अपने स्टूडेंट्स का एनी टाइम फिक्र करते रहता हूँ कि भाई उसको मैं क्या प्रोवाइड कराऊँ कि वो बेहतर कर सके, मेरी पूरी कोशिश होती है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ 12th में कैसे करें तैयारी। तो मैंने पहले आपको 11th क्लास के प्रॉब्लम्स के रिकवरी के बारे में बात किया। 12th की तैयारी आप बिना सिंगल डे, आपने देखा होगा कि हम इतना इमीडिएट, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये बात महसूस किया कि हमको सिलेबस को और थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 2 months ओनली रिविजन। तो इस साल हमने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है। हमको भी उस बात का एहसास हुआ, क्योंकि हमको भी एक्सपीरियंस से ही सीखने को होता है ऑनलाइन क्लास में, खासकर अभी ऑफलाइन का तो हमको बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑनलाइन में अपन उसको प्रॉपर शेड्यूल करके कि कितने दिनों में कितना हम टॉपिक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने बिल्कुल फ्रॉम वेरी बिगनिंग हमने स्टार्ट कर दिया। हम तो 12th के फिजिक्स में धारा विद्युत पर हैं, और आप सबको मैं सजेशन करता हूँ कि आप मेरे स्टेप पर चलो, आप लेट क्लास मत करो। ऐसा नहीं कि अभी इस टाइम में आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्टार्ट कर रहे हो तो फटाफट रिकॉर्डेड वीडियो देख के लाइव क्लास में आना स्टार्ट कर दो। तो इमीडिएट आप क्या करो, पढ़ाई शुरू कर दो क्लास 12th का। हम लोग नवंबर लास्ट तक कोर्स कंप्लीट, हमने पूरा शेड्यूल के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें डेट वाइज हमने आपको सब चीज़ बता दिया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, मैं कई बार आपको रिपीट करता हूँ कि बिहार बोर्ड हमारा टारगेट है, वो इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया में वो सबसे पहले होता है। तो बिहार बोर्ड को टारगेट करके हम यदि अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, तो बाकी बोर्ड के लिए तो हमको दोबारा रिविजन का टाइम मिल जाता है, तो समय हम आपको कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आप अभी से करोगे तो होगा, कहीं आप पूरे साल भर बहुत रिलैक्स बैठे रहे और बोलोगे लास्ट मोमेंट में करेंगे तो नहीं होगा। तो 12th क्लास में इस तरह से आप तैयारी इमीडिएट शुरू कर दो, और पहले चैप्टर से, ठीक है, आवेश वाले चैप्टर से, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी हम धारा विद्युत आपको पढ़ा रहे हैं। यदि आप लेट हो गए होगे 2-4 दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखो और उसके बाद हमारे लाइव क्लास में हमारे साथ चलो। जो स्टूडेंट टीचर के साथ चलता है उसके ऊपर कभी भी बर्डन नहीं आता, पेंडिंग वर्क का बर्डन नहीं आता। एक्चुअल मैं आपको एक बात बताऊं, पढ़ाई करनी कैसे चाहिए, अपने टीचर के साथ पढ़ाई करनी कैसे चाहिए, पढ़ाई करने के लिए टीचर समझ लो रेत पर चल रहा है, टीचर रेत पर चल रहा है, रेगिस्तान पर टीचर चल रहा है, और आप उसके पीछे हो। तो आपको इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस होगा, या आप सुने भी होगे कि रेत पर चलते हैं तो अपने पैर के निशान वहाँ पर पड़ते हैं, थोड़ी देर बाद हवा चलती है और वो बराबर हो जाता है, पता नहीं चलता कि इधर से कौन गया था।
तो यदि आप टीचर से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रहोगे तो पता नहीं चलेगा कि टीचर किधर चले गए, फिर आप पैर के निशान आप खोजते रह जाओगे। तो टीचर के फुट स्टेप पर चलो। बिल्कुल मैथ्स फिजिक्स में तो तरीका यह है कि टीचर ने पैर उठाया और जो निशान वहाँ बना है इमीडिएट उस निशान पर अपने कदम रखो। दैट मीन्स पेंडिंग वर्क आपके पास ही होना चाहिए। आज मैंने यदि सेलों का समूहन पढ़ाया, पढ़ाऊंगा आज, तो यदि मैंने आज सेलों का समूहन पढ़ाया तो कल के क्लास में सेलों का समूहन तैयार होकर क्लास में आना चाहिए। इतनी छोटी बात को जो स्टूडेंट फॉलो करेगा सवाल ही नहीं है। आप वर्क को पेंडिंग मत बताओ। पेंडिंग वर्क ऑलवेज बर्डन होता है, वो हमेशा क्या होता है, एक बोझ होता है। तो इस तरह से आप 12th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इसके बाद देखो, गलतियों से सीख लें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर होता है, बाहर से तो केवल उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। किसको नहीं पता है कि हमने गलत कर लिया है, किसको नहीं पता है कि हमने टाइम वेस्ट कर लिया है, किसको नहीं पता है कि मिस्टेक हो गए, सबको पता है। ये सॉफ्टवेयर तो गार्ड हमारे अंदर ऑलरेडी डाल के भेजता है कि बेटा जा, तेरे को हर क्षण में याद दिलाऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक तू कर रहा है। इस पर ज़्यादा लेक्चर देने का जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि क्या मिस्टेक कर चुके और क्या अभी भी हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपको एक ही सलाह है कि आपके अंदर से वो प्रेरणा आती है कि भाई मैं ये कर चुका, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मिस्टेक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक रिपीट होना फिर बहुत बड़ी बात है। तो यदि आपने 11th क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर लिया है तो आपको इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस खुद हो गया है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए 12th क्लास में, अदरवाइज फिर हमारे पास रिकवरी के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। तो आप उसको रिकवर करिए इमीडिएट, और उसके बाद देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको बाहर से लाख सपोर्ट मिले, आपको दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। बोलते हैं ना कि मेडिसिन भी उसको अफेक्ट करता है जिसके अंदर में उस तरह का रेजिस्टेंस पावर, विल पावर होता है जो उसको, मतलब उसको बर्दाश्त कर सके, तभी उसके अंदर इफेक्ट होता है। तो निश्चित रूप से मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ और बातें आपको सुनने को मिलता है और मोटिवेशन आपको मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम आएगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो, जब खुद पर भरोसा हो। जिस आदमी को खुद पर भरोसा है वही कुछ अच्छा कर सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। बार बार आप रोते मत बैठे रहिए कि मेरा 11th तो ऐसा हो गया, अब क्या होगा, 11th तो हो गया अब ऐसा क्या होगा। पास्ट से सीखना चाहिए, पर पास्ट पर हमेशा डूबे नहीं रहना चाहिए। सक्सेस का सबसे बड़ा फंडा है कि वर्तमान में जीना चाहिए। फ्यूचर तो प्लानिंग होती है, पास्ट बीत चुका होता है, वहाँ से हम सबक ले सकते हैं, बट रोते नहीं बैठ सकते कि मेरा ये हो गया, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो और पीछे की बातों को छोड़ो और इमीडिएट आज से ही आप अपना काम स्टार्ट कर दो। मैं स्पेशली आप लोगों से इसलिए मिल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस कंडीशन में, यदि क्योंकि देखो मैं कोई भी मैटर पर आपके से बात करता हूँ उसका एक वजह होता है। मैं कमेंट्स में बहुत बार पढ़ता हूँ अपने लाइव क्लास में, सर हमारा 11th अच्छे से नहीं हुआ, सर हमने 11th बेस्ट कर लिया, सर क्या हम कर सकते हैं, क्या अब हमारे से हो जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब यदि मैं आपको चैट पर देते रहूँ तो मेरा क्लास डिस्टर्ब होगा और फिर वही स्टूडेंट उस पर ध्यान देगा जो पूछा है। तो चीज़ों को मैं माइंड करते रहता हूँ कि मेरे बच्चों को किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या उनको किस तरह की बात उनसे करें। इस स्पेशल पर्पस पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अब देखो मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ, या हमारा चैनल, हमारी पूरी टीम आपको क्या हेल्प कर सकती है, ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो हम आपके लिए मदद कर सकते हैं या कर रहे हैं। वो है फुल सिलेबस लाइव क्लासेस। आपका 100% सिलेबस लाइव क्लास में कंप्लीट होगा, 100%। आप उसके लिए कोई एप्लीकेशन में कोर्स परचेस करने कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 50 फ़ोन आते हैं कि सर क्या कोर्स YouTube पर ही कंप्लीट हो जाएगा, सर आपका कोर्स परचेस करना है, सर आपके कौन से कोर्स में 12th क्लास का कंप्लीट हो जाएगा।
तो भैया हमारे आईआईटी जेई नीट के लिए आपको एप्लीकेशन पर क्लास लेना पड़ेगा भले ही, लेकिन ट्वेल्थ क्लास के लिए लेना नहीं पड़ेगा। क्लास ट्वेल्थ को हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही 100% कंप्लीट कराएंगे, तो ये हमारा फुल सिलेबस लाइव क्लास होगा। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं, हमारे पूरे लेक्चर के नोट्स, इवन आपके पास बुक भी ना हो तो हमारे नोट्स से पढ़ के आप टॉप पोजीशन पर अपने आ सकते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन पर ओरिजिन द लर्नर साहब, ओरिजिन द लर्नर साहब जो आपको हमारे वीडियो के नीचे देखने को मिलता भी है उसका आपको एड्रेस, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है, सिंगल रुपीज़ भी आपको उसके लिए पेड नहीं करना है, कम्प्लीटली फ्री है। बार बार बात इसलिए मैं याद दिलाता हूँ कि एप्लीकेशन कहने से तो एक फोबिया डेवलप हो जाता है स्टूडेंट के अंदर, एप्लीकेशन मतलब अब मेरे को कुछ पेड करना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे एप्लीकेशन में बहुत से चीज़ फ्री में भी आपको प्रोवाइड कराए, नहीं तो फिर एप्लीकेशन बोलने से अब तो उसको खरीदना पड़ेगा। नोट्स आपको कोई परचेस नहीं करना पड़ेगा, पूरा नोट्स फ्री में डाला हुआ है, कितने बच्चे उसको यूज़ कर पा रहे हैं प्रॉपर, कई लोग तक ये बात पहुँच नहीं पाती, इसलिए मेरे को बार बार उस बात को बोलना पड़ता है। बार बार बोलने का मतलब मेरा ये नहीं कि उसको मैं प्रचारित कर रहा हूँ, बार बार बोलने का मतलब नोटिस करना है, आपको सूचना देना है, क्योंकि बहुत से नए बच्चे आते हैं और वो भटकते रहते हैं कि सर नोट्स कहाँ पर मिलेगा, इसलिए हम अगेन एंड अगेन उसको आपको रिपीट करते हैं। तो नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है, बोर्ड प्लस आईआईटी जेईई नीट का प्रिपरेशन। देखिए आप हमारे क्लास में आ रहे होंगे, लाइव क्लास में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको ये बात पता होगा कि हम अपने हर क्लास के चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बाद हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा पर्पस है कि हमारा स्टूडेंट अपने बोर्ड क्लास के प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ परसेंट तक, कम से कम 10-20-25% तक भी यदि वो क्लास के साथ प्रिपेयर हो जाता है तो आगे का उसका काम आसान हो जाएगा। यदि आपको 1000 किलोमीटर चलना है तो 1 किलोमीटर भी यदि आप चल लेते हो तो 999 बचेगा, वो भी एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है। ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे, 12th पास हो जाते हैं पहले फिर कर लेंगे, ठीक है 12th पास होने के बाद तो आप करोगे ही, लेकिन यदि साथ में यदि आप कुछ कर लेते हो तो क्या बुरा है, और साथ में करना मज़ेदार होता है, क्योंकि लेटेस्ट जब हम उस चैप्टर को पढ़े रहते हैं तो उसी टाइम उसका मल्टीपल चॉइस हमसे करने में मज़ा भी आता है, जल्दी बनता भी है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि भाई क्वेश्चन हमसे बन रहा है। तो हम आपको जेई आईआईटी जेई और नीट का भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं मैं जैसे आपको बताया, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ओके, अब देखिए कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आज मेरी बात सुने, इतने जोश में आए कि आज 16 घंटा पढ़ दिया, अरे सर बोले ऐसा ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, या और किसी से सुने 16-17 घंटा पढ़ दिया, आज कल भी पढ़ दिए थोड़ा, उसके बाद तीसरे दिन पता नहीं, उसका पता चला 10 दिन तक पता ही नहीं है कि हम पढ़ते भी हैं, इससे सक्सेस नहीं मिलता। वो खरगोश और कछुए का स्पीड का आपको स्टोरी पंचतंत्र में बचपन से पढ़ा होगा, हम लोग भी पढ़ा सुना है, आपके काम में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दैट इसलिए मैं रोज बोल रहा हूँ आपको कि रोज लाइव क्लास में आओ, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ो, अगले दिन फिर तैयार करके आओ, अगले दिन फिर तैयार करके आओ, बीच बीच में रिविजन के लिए समय दो। तो पढ़ाई ऐसा कोई बहुत उबाऊ चीज़ और बहुत बर्डन वाला चीज़ नहीं है, बर्डन उसके लिए है जो बोझ इकट्ठा करके रखा है सिर में, कई कई एक्सरसाइज, कई कई चैप्टर पेंडिंग में है, उसको तो बर्डन लगेगा ही, इसलिए आप काम को रोज रोज पूरा करके सोइए। मैं सक्सेस का एक बहुत अच्छा आपको फंडा बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले सबसे पहले सवेरे जागो तो आपके पास एक वर्क प्लानिंग होना चाहिए, 24 आवर का शेड्यूल, आज ये काम मैं करूँगा, और रात को सोते समय चेक लिस्ट को चेक करो, और यदि आप उसको पूरा कर चुके हो तो 100% आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो, और यदि उसमें से कई काम आप पेंडिंग में छोड़ के सो रहे हो तो आपके सक्सेस में क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए आप रोज का काम, 24 आवर्स का काम 24 आवर में ही कंप्लीट करने का कोशिश करिए। कभी कभी कोई अर्जेंट वर्क आता है तो उसके लिए हमको बीच में और टाइम, संडे वनडे का टाइम मिलता है, उसको रिकवर करना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस के लिए, और आप अभी से कोशिश करो कि आपके काम में एक अनवरत प्रयास रहना चाहिए, लगातार प्रयास होना चाहिए, अचानक बहुत करके बीच में बहुत दिन तक नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। ओके चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैंने आपको बताया,
और इसके बाद ये सब मानने पर आप ये हैं, आप इन सब चीज़ों को मानने पर आप यहाँ हैं, आप कर सकते हैं। तो यदि आपने अपना 11th कुछ कारणों से बर्बाद कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, अब हमको आगे बहुत अच्छा करना है। ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।